शुरुआत में क्या होता है पता है, आप एक सिगरेट पीते हो और आपको प्लेजर मिलता है, किक मिलती है, पर कुछ टाइम का बाद क्या होता है पता है, वो किक ना नॉर्मल हो जाती है। अब आपको एक सिगरेट से किक नहीं मिल रही तो आप दो सिगरेट पीते हो, फिर आप तीन सिगरेट पीते हो, फिर आपके दिन की चार सिगरेट तो हो गई है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस सुमेर सिंह शो पॉडकास्ट। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और ये सीरीज़ का नाम है स्टूडेंट लाइफ प्रॉब्लम सीरीज। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं। ये टॉपिक मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ाई में क्या करना है, वो पढ़ाई में क्या करना है। आज के टॉपिक में मैं बताऊँगा डोंट डू दिस इन कॉलेज, ये चीज़ें कॉलेज के टाइम मत करना। तो ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है लेकिन तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि ये गलतियाँ जो लोग करते हैं उनका पूरा चार साल गुजर जाते हैं और लास्ट में उनके पास होता है कि भाई काश मैंने ये चीज़ नहीं की होती, और बाद में रिग्रेट। और ये ऐसी आदतें हैं ना जो लाइफ में, जो मतलब आपको ज़िंदगी भर तो आपके साथ रहती है भाई। तो वो कुछ आदतें हैं जो मैं नहीं चाहता कि अपने लोग यार रहे, क्योंकि भाई आया तो बता के जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा मेन इंपॉर्टेंट है, आपको सही रास्ता बताना मेरा इंपॉर्टेंट मकसद है। क्लियर है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तीन बातें ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो की जो लाइक टारगेट है वो 500 लाइक है, फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोंट डू दिस इन कॉलेज की पहली चीज़ है वो है सिगरेट, गांजा, पॉन और दारू। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी मिस्टेक्स इन कॉलेज, उधर किसी ने कमेंट किया था कि मैंने तो गांजा पीना शुरू कर दिया है, मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। मैं टोटली समझा ये कमेंट देख के, लेकिन मैं सोचा कि यार इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। एक्चुअली जब आप कॉलेज में आते हो, अभी आप यूथ तो यंग हो, ये पार्टी मज़ा सब सही, बहुत करने का मन कर रहा है, बहुत सही है, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकना चाहता। पर मैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपको नए दोस्त मिलेंगे, आप कूल बनने के लिए लोगों में, या फिर आपको लोग बोलेंगे कि मीठी मीठी लग रही है भाई सिगरेट पी ले, या फिर आपको बोलेंगे भाई स्ट्रेस कम होता है, जो आपको कॉलेज में सच बताओ तो उतना स्ट्रेस है भी नहीं, पर आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हो या फिर गांजा पीना शुरू कर देते हो, दारू पीनी शुरू कर देते हो और पॉन में भी लोग चले जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है पता है, आप एक सिगरेट पीते हो और आपको प्लेजर मिलता है, किक मिलती है, पर कुछ टाइम का बाद क्या होता है पता है, वो किक ना नॉर्मल हो जाती है। अब आपको एक सिगरेट से किक नहीं मिल रही तो आप दो सिगरेट पीते हो, फिर आप तीन सिगरेट पीते हो, फिर आपके दिन की चार सिगरेट तो हो गई है। अब वो प्लेजर नहीं मिल रहा पर आपके लिए वो आदत हो गई है, ज़बरदस्ती आपको पीनी पड़ रही है, अब आपके लिए एस्केप मैकेनिज्म हो गया ये। अब आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपका एग्ज़ाम सही नहीं गया, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हुई, घर पर झगड़ा हो गया, किसी लड़की ने मना कर दिया या फिर किसी का रिप्लाई नहीं आया, आपके लिए एक ही सोल्यूशन है, चलो जाके सिगरेट पीते या फिर गांजा फूंकते हैं या फिर दारू पीते हैं। पॉन के साथ भी यही होता है, आप रिसेंटली जब पॉन देखना शुरू करते हो, आप नॉर्मल पॉन से शुरू करते हो, फिर आप बोलते मज़ा नहीं आ रहा, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, तो आप हंस रहे हो बताए, आप अंदर ही अंदर गरे हरे थे, इसको कैसे पता ये वाली चीज़ है, आप समझ रहे हो। अब आपके लिए वो आदत पड़ गई कि आप चार चार घंटे इसी चीज़ में डाल रहे हो और ये आपको ब्रेन को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। जो आप चीज़ इंटरनेट पर देख रहे हो ज़रूरी नहीं वैसी असलियत में होती है, समझ रहे हो क्या? और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप रून करेगी, क्योंकि आपके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है ना, पर वो सच्चाई में नहीं है, और यही चीज़ आपके दिमाग को बहुत रून कर देती है, आपको क्विक डोपामाइन की आदत दे देती है और आप एक एस्केप मैकेनिज्म बना लेते हो, रियल लाइफ से भागते हो, और ये लाइफ टाइम तक रहता है, ये आदतें नहीं छूटती। और अभी आपके पास चॉइस है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि सुमेर तो फिर कॉलेज लाइफ में पार्टी ना करें, देख तू 31st में जाता है पार्टी करता है, तेरे बर्थडे के दिन पार्टी कर रहा है, तेरा सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद पार्टी कर रहा है, वो नॉर्मल है। पर एक लाइन होनी चाहिए ब्रो, एक लाइन होनी चाहिए जो तुझे क्रॉस नहीं करनी है, तुझे पता होना चाहिए कि मेरी आदतें मुझे कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, मैं मेरी आदतों को कंट्रोल करना चाहिए। तो तेको पता होना चाहिए कि तू कितने लेवल पे पार्टी करना चाहता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अलग प्लेजर्स है भाई, जहाँ जाके स्किडबोर्ड चला, अमेजिंग लोगों से मिल, यूट्यूब वीडियो बना, घूम के आ, ट्रैवल कर, बहुत कुछ कर सकता है भाई। ज़रूरी नहीं कि यही सारी चीज़ों, ये वाली चीज़ें हैं इसी से मज़ा आता है, और इससे एक लेवल में मज़ा बंद हो जाता है ब्रो। तो वो जो चॉइस है, मेरा से मेन इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा कि बंद कर दे सब कुछ, पर वो लाइन तेरे को रखनी है ब्रो, और उसको क्रॉस मत करना, वरना लाइफ में वापस उससे आने को बहुत टाइम चला जाता है। तो ये पहली चीज़ है जिसका मैं तेरे को बता रहा हूँ, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, पॉन हो गई, और फोर्थ चीज़ है वो है अपना गांजा। क्लियर है? अगर तुम चाहते हो कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, डिटेल वीडियो, हाउ टू क्विट एन एडिक्शन, क्योंकि बहुत सारे एडिक्शन में लग गए, तो कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। पर ये पहली चीज़ हो गई, अब बढ़ते हैं आगे सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ है वो है सोशल मीडिया।
मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, मेरे को याद है कि मैंने अपने पूरे 2 साल सोशल मीडिया पे बर्बाद कर दिए थे, क्योंकि ये वाला जो एज होता है ना, मतलब आप 18 साल के बंदे होते हो, आप अपोजिट जेंडर पे बहुत अट्रैक्ट होते हो और आप फेसबुक पर रैंडमली स्ट्रेंजर्स को ढूंढ रहे हो कि ओ उसका मैसेज आया, किसी इंसान ने 7 दिन में एक बार तुम रिप्लाई कर दिया तुम खुश हो रहे हो, जिस इंसान को तुम पता नहीं जिंदगी में मिलोगे भी कि नहीं पर तुम खुश हो रहे हो, और सामने वाला इंसान कौन है तू जानता है उसको नहीं, पर तू तेरा पूरा टाइम पूरी एनर्जी जो तेरी यूथ की फुल लाइफ टाइम की अभी जो एनर्जी है उसको और टाइम को वेस्ट कर रहा है, पर तू खुश हो रहा है तुझे, और तेरे को पता भी है क्या तू अकेला है जिससे वो बात कर रही है, अब 7 से 10 लोग हैं और वो लोग तभी बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो फ्री है, तू एक टाइम वेस्ट करने के लिए, मतलब उनको कोई बात करने वाला नहीं है इसलिए आकर तेरे से बात कर रहे हैं, जैसे उनको सही वाला मिल जाएगा वो छोड़ चले जाएंगे तेरे को छोड़ के, और तू फिर उसके लिए बुरा भी मान रहा है कि वो मेरे को तो आज रिप्लाई नहीं आया, आज मेरे से बात नहीं की उसने, भाई मैंने अपने 2 साल डाल दिए थे इसमें, कसम से कह रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि तुम डालो, कसम से कह रहा हूँ स्ट्रेंजर्स पे सोशल मीडिया पे पड़े ही मत रहो, ये चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। मैं कसम से मैंने 6 से 8 महीना छोड़ दिया था, बंद कर दी थी चीज़ें, क्योंकि मेरा 3rd ईयर में एक ही था कि इससे निकलना है यार लाइफ में, तो जब आपको इससे निकलना है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत चीज़ किया था मैंने तब जाके मैं सोशल मीडिया एडिक्शन से निकला था, पर अभी ज़माने ही वो है तो आपको वो लाइन याद रखनी है कि अपने को यार खुद के लाइफ को खुद के कंट्रोल में लाना है, अगर मेरे को लाइफ में ग्रो करना है, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरे को टाइम अपना स्ट्रेंजर्स पे वेस्ट नहीं करना है भाई, समझ रहे हो, जाओ डेट करो लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा, पर स्ट्रेंजर्स पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, बुरा मत मानो और पूरा सोशल मीडिया में मत घुस जाओ। मैं आज सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ कहानियाँ बताने को, क्योंकि अपन बकचोद इंसान है भाई, मेरे पास बहुत सारी कहानी है, तो मैं अपन सोशल मीडिया पर डालते रहता हूँ जो चीज़ें मैं करता हूँ, और मुझे अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना पसंद है, मैं वो चीज़ें करता हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सोशल मीडिया क्यों यूज़ कर रहे हो, कि सोशल मीडिया तुम्हें यूज़ कर रहा है उस चीज़ का तुम्हें ध्यान होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान तुम्हें यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर है। दो सेकेंड चीज़ थी कि सोशल मीडिया पर पूरा अपना टाइम वेस्ट मत करो। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गलत दोस्तों की संगति छोड़ दो। गलत दोस्त मतलब गलत दोस्त वो लोग जो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, जो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, फिर भी तुम उनके साथ लगे रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये नहीं तो और कौन भाई, ये नहीं तो और कौन, कोई नहीं है ना, तो अकेला रहना शुरू कर दे, पर ऐसे लोगों के साथ मत रहे जिसमें जहाँ पे तेरा होना ना होना मैटर नहीं करता, जो तेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, तेरी बातों पे तेरे को नेगेटिव बातें बता रहे हैं, तेरे ड्रीम्स पे लोग फॉलो नहीं कर रहे, और लोग खुद भी ड्रीमर नहीं है, लेजी है, आलसी है, पड़े हुए इंसान है, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा कि मैं ना रहूं, मैं अकेला रहूं। तो समझ कह रहा हूं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को किसी ने नहीं बताई थी। अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि देख बकचोदी तेरे दोस्त लोग करते हैं, गाली देते हैं, नॉर्मल है, पर तुझे समझता है क्या वो तुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते भाई? मेरे को, मैं फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तक अपने को ऐसा कोई इंसान नहीं था जो सपोर्ट किया था भाई, मेरे को याद है कि मैं 80 लोगों के साथ कैंप गया था और फिर भी मैं अकेला था, फिर मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिला मैन, और तब मेरे को पता चला कि सपोर्ट होता क्या यार, वो हर चीज़ में मेरे लिए खड़ा है भाई, हर चीज़ के लिए मेरे लिए खड़ा है भाई, और मैं भी उसके लिए खड़ा हूँ। हम लोग बकचोदी करते हैं, हम एक दूसरे को गाली देते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो उतना बड़ा ड्रीमर भी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्टर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके सारे दोस्त ड्रीमर होने चाहिए, बहुत बड़े अचीवर होने चाहिए, पर एक आपकी इज्जत करने चाहिए यार, आपको सपोर्ट करने चाहिए, आप बोलने चाहिए यार भाई मैं लाइफ में ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो वो हाँ क्या कर लेंगे ना, वो अपने हिसाब से कोशिश करने चाहिए। तो ऐसे दोस्त ढूंढो, और नहीं मिल रहे हैं तो फिलहाल रुक जाओ, पर नेगेटिव लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि आपकी जैसे कंपनी होगी वैसे आप बनोगे, एक टाइम पे आप एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है इग्नोर होना, डिसरिस्पेक्टफुली रहना लाइफ में नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल नहीं है, आप डिजर्व करते हो अच्छे दोस्त, रिस्पेक्टेड होना और लव्ड होना, क्लियर है? तो अगर आपको गलत लोग मिल रहे तो मत रहो टॉक्सिक लोगों के साथ, छोड़ दो ऐसे लोगों के साथ, और वो चीज़ें ढूंढो कि आपको क्या करना पसंद है, जब वो चीज़ें ढूंढोगे तो आपको वैसे लोग भी मिलेंगे, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो ये कुछ 3 बातें थी जो मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता था अपनी ऑडियंस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो और सारे ग्रुप्स में शेयर करो, क्योंकि 3 बातें हैं जो सब तक जानी चाहिए यार। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं वही सोच रहा था कि मैं यार अपने लोगों को ऐसी क्या बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने दिल से, और ये 3 बातें निकली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी बातें और आती रहेगी। आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, एंड हैव अ नाइस डे।